सो हम लोग अभी आए हैं पतंग लेने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि कल है मकर संक्रांत और सब जैसे कि सूरत में यहाँ पे उत्तरायण पतंग उड़ाते हैं। और रोहित की मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी पिछले साल कि यहाँ पे बहुत पतंग उड़ाते हैं तो बहुत मज़ा आता है, और हमें इसका कुछ भी नहीं था पर हम लोग एक्साइटेड थे कि कैसा होगा। तो रोहित हमें यहाँ पे पतंग के शॉप पे, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मार्केट लगते हैं पतंग के ऐसे शॉप्स के स्टॉल छोटे छोटे, तो हम लोग एक शॉप पे आए तो अभी जाते हैं देखते कैसे रहता है। ओए चला मेरा तो अभी भी निशान है, मेरे हाथ पे बहुत सारे निशान आते थे जब मैं पतंग उड़ाता था, दूसरे का धागा मैं अपने रील में लपेट लेता था। मुझे आता नहीं पर मुझे मजा आएगा। तो पतंग लेके हम लोग घर पे आ गए हैं और हम लोग अभी बना रहे हैं, ये बांध रहे पतंग को मंगल सूत्र इसको सूरत में बोलते है किन्ना। हाँ, इसको बोलते है किन्ना। और अभी हम लोग सब कर रहे हैं, देखो हम लोग नहीं हम लोग मतलब मतलब मैं भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे तो ये सब आता है। तो कितने पतंग लाए हम लोगों ने, इसको कुछ भी नहीं आता है, इसको बांधना पड़ता है ये भी नहीं पता था। हाँ, ये बोल रहे थे कि इसे इधर से नीचे बांध के पतंग उड़ा दे मुझे ना हमेशा हर साल मैं ऐसी पतंग उड़ाती हूँ कि लोग भी बोलते हैं ओ वाओ, इसलिए रोहित ने मेरे साथ फ्रेंडशिप की। तो अभी रोहित ने हम लोग को बोला था अगर ये सब चिंटिया मयूरिया ये सब आए यहाँ पे, ये मजा आ रहा है ऐसे करने क्योंकि मेरे लाइफ का ये फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस है। मैं तो कभी ऐसे नहीं करती यहाँ पे एकदम। हमने टोटल लाए है 150 पतंग। रोहित तो बोलता है कि हमेशा ये तो ज्यादा लाते हैं 200-300 इतना, उसको कम पड़ता है। बट इस बार मतलब मैं जिस एरिया में रहता था उस टाइम हम लोग क्या करते थे, एक दूसरे की पतंग चोरी करते थे बस। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है, खुद की पतंग खुद ही उड़ाना पड़ेगा। उतने दूसरी पतंग भी आएगी ना कट कट के। मुझे तो इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं, और ना ये लोग हमेशा मुझे चीटिंग करवाते। एक बार मुझे क्रिकेट खेलवाने भी लेके गए, फिर वहाँ पे भी मुझे बाजू में खड़ा कर दिया, वहाँ पे भी मुझे ऐसे चुपचाप बिठाया। कुछ इसको कुछ आता ही नहीं, इसको काम करना नहीं आता, इसको काम बिगाड़ना आता है। सो सुबह हम लोग जल्दी उठेंगे और अरे मतलब बोलू जा रहे ये इतने मस्ती कर रहे मुझे कुछ बोल ही नहीं दे रहे। तो सुबह हम लोग जल्दी उठेंगे और जल्दी मतलब 9 ये सब बोल रहे हैं, इसकी बातों पे विश्वास मत करना कि सुबह ये जल्दी उठेगी। इसका जल्दी मतलब 11 बजे होता है सुबह। तू चुप बस, ठीक है। तो जल्दी सच बात का तो सबकी माँ को भी राग आता है, गुस्सा आता है। हाँ राग आता है। तो सकाळी आम्ही लवकर उठणार, मस्त रेडी होणार आणि हॅपी मकर संक्रांति। हम लोग ना अभी बहुत टाइम से ये कर रहे हैं, मतलब बहुत टाइम से नहीं अभी हुआ, एक घंटा तो हो गया, और ना हम लोग इतने थक गए हैं ना, थकने के मजा भी आ रहा है पर प्रॉब्लम ये है कि रोहित से हम लोग को चाय पीनी है, और रोहित इतनी अच्छी चाय बनाता है ना, ओ माय गॉड। फिर अभी मैंने ये बोला है तो आपको लगेगा कि वो नहीं बनाएगा, पर मैं खास दिखाऊंगी कि रोहित जब बना के हम लोग को ऐसे लेके आएगा, ओ वाओ बिट्टू बनाएगा ना, थैंक यू। चलो चाय पे मिलते हैं। फरमाइश पे रोहित झिंझुर के बना रहा है रेडी हो चुकी हूँ और हैप्पी मकर संक्रांति। सब रेडी हो चुके हैं, अभी दोपहर का टाइम है क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग गए थे ऊपर पतंग उड़ाने के लिए ऐसे ही बिना नहाए, बट अभी बहुत ज्यादा धूप थी और हम लोग नीचे आए तो अभी थोड़ी धूप कम हो चुकी है, और अभी सब ऑलरेडी ऊपर गए हैं और मैं सानू हम लोग सब रेडी है, रोहित सब रेडी है, अभी ऊपर जा रहे हैं टेरेस पे।
हम लोग ऊपर आए पर अभी भी बहुत ज्यादा धूप है और मुझे आज सर्दी हुई है तो मेरी हालत और ज्यादा खराब है। और जब हम लोग ऊपर आए ना तो ये इन लोगों ने शायद किसी का तो पतंग काटा था तो ये सब बजा रहे थे ये लोग। ये देखो कैसे चिल्ला रहे थे। ये क्यों बजा? बिकॉज इन्होंने किसी की तो पतंग काटी है अभी जस्ट। और मैं अभी स्टेप करूंगी इनकी खुशी में। आज हम लोगों ने बहुत मजा किया। मैंने बिल्कुल पतंग नहीं उड़ाई पर मुझे और हमें लास्ट टाइम मुझे रोहित क्रिकेट खेलने लेके गया था तो बाजू में खड़ा किया था तो आज भी वैसा ही था। वो बोलता था मांझा पकड़ और मैं बाजू में ही रहती थी खड़ी तो आज भी मैं इनको चिढ़ाने का काम कर रही थी। रोहित की मम्मी को अच्छे से पतंग उड़ाने के लिए आता है, मुझे सच में नहीं आता। बिट्टू थैंक यू, हम लोग खूब मजा ली। यस यस मतलब सच में मुझे बहुत मजा आया और सब थे एक्चुअली रोहित पहले जहाँ पे रहता था ना वहाँ पे और ज्यादा मजा। हाँ बट कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे इतने ही लोग थे और सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और आंटी आपने तो क्या पतंग उड़ाई, जरा ब्लॉग करा। कसं वाटलं पतंग उडून? खूप छान वाटलं। हॅपी मकर संक्रांती तुमच्या परिवाराला सगळ्यांना। यस हाय और आज मैं रिवील करती हूँ संक्रांति के दिन। आज रिवील हो गए निशिकांत गाड़ गया। निशि हाय से हाय बोल। से हाय से हाय हाय से नो अभी से नो तो मैं बोलू छू नो मुझे गुजराती नहीं आती तो गाइस जो भी मैंने बोला है वो मुझे इन्होंने सिखाया था तो मुझे ब्लेम मत करना। बद्दा ने मकर संक्रांति ने हार्दिक शुभेच्छा आना परती भी मारा परती। हाँ आणि सगळ्यांना मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा। सो गाइस ये ब्लॉग हम लोग यही खत्म करते हैं और आगे बहुत सारे सरप्राइज आने वाले हैं। तो दिवाली के ब्लॉग में भी बोला था, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसलिए। और आप भी ब्लॉग देख रहे हैं ना, आपको भी पता चलेगा। तब तक के लिए लास्ट वाले ब्लॉग को जैसे प्यार दिया इस ब्लॉग को भी देना, बहुत सारे कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज, आप बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट करते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मैंने रोहित को बोला कि यहाँ पे कैसे पतंग उड़ाते हैं मुझे बता, तो ये मेरे कल फिर खिलेगा, मैं इसकी फिर खिलूंगी।